वेलकम बैक गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। गाइस, अगर आप भी करते हैं ये दो मिस्टेक जिम जाने से पहले, वर्कआउट करने से पहले, तो गाइस आप रुक जाएं, ऐसा ना करें। ये दो मिस्टेक्स खासकर बहुत सारे बिगनर्स करते हैं, उन्हें पता नहीं रहता। पहली मिस्टेक ये है गाइस, जब भी आप जिम में वर्कआउट करने जाएं, उससे पहले आपने हैवी मील नहीं लेना। आपको एक्सरसाइज करने से पहले, वर्कआउट करने से पहले 2 या 3 घंटे पहले हैवी मील लेनी है गाइस। अगर आपको लाइट मील लेनी है तो आपको 1 से 1.5 घंटा जिम से 1 से 1.5 घंटा पहले लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपने अगर हैवी मील ले रखी है, आप तुरंत वर्कआउट करने जाएंगे, तो इससे आपकी जो वर्कआउट परफॉर्मेंस में गाइस बहुत होता ही है गाइस। आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपका जो मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है वो आपकी मसल्स की तरफ होता है, और जब आप खाना खाते हैं, हैवी मील लेते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है वो आपकी डाइजेशन की तरफ फ्लो कर रहा होता है। इससे ये होता है ना ही मसल्स को उतना रिकवर कर पाते हैं आप, और ना ही फिर अपने डाइजेशन को उतना, इससे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपने हैवी मील खाकर वर्कआउट नहीं करना, पहली मिस्टेक ये है। दूसरी मिस्टेक गाइस, जब भी आप अगर जिम में जाएं वर्कआउट करें, खासकर बिगनर्स को पता नहीं होता गाइस, जब लोग जिम जाते हैं तो भाई सपोर्टर नहीं पहन के जाते। मैंने बहुत सारे बिगनर्स को देख रखा है गाइस, सपोर्टर का यूज़ नहीं करते। उन्हें अभी इसके नुकसान का पता नहीं होगा शायद। अगर आपको मैं बता दूं कि क्या आपके इससे नुकसान हो सकता है, सबसे पहले गाइस आपके टेस्टिक्स बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, वो खिंच सकते हैं, उनमें पानी भर सकता है। इसलिए जब भी आप वर्कआउट करने जाएं तो सपोर्टर का यूज जरूर करें गाइस। इन दो मिस्टेक से आप बचेंगे तो आप अपनी एक अच्छी खासी बॉडी बना लेंगे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें।